Welcome. 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 जी की हाँ वेलकम तो टू मेरा और बताइए मैंने बात ले लिया कपड़े है कपड़े वॉश किए हैं मैं थक गई और मुझे ना आज ये टैक्स डाला है बट इसमें ना मुझे गर्मी लग रही है काम करते हुए गर्मी लग रही है सो अभी मेरा काम रहता है देख रहे हैं जैसे कि आप मैंने बेडशीट वगैरह भी आज मैंने वॉश की है तो बेडशीट भी चेंज करूँगी सो so, अभी मेरी क्लीनिंग व्निंग नहीं हुई है किचन की इसकी क्लीनिंग रहती है कपड़े वॉश के ब्रेकफास्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है बात मैंने ले लिया है तो मैंने सोचा कि ना एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए है ना सो लेट्स गो आज का लॉक स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखना है मेरी फेस भी पता नहीं पिम्पल्स हो गए आई डोंट नो वाई काफ़ी दिन से हो रहे हैं मेरे फेस पर पिम्पल और यहाँ मेरे नोज़ के आसपास काफ़ी ड्राइनेस रहती है इसकी जैसे दिखना अलग ही निशान दिख रहे हैं सो कोई इलाज हो तो बताना यार आप लोगों के पास सो लेट्स गो आज का लोग स्टार्ट करते हैं मैं फटाफट यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ सो so, मिलते हैं आपको कुछ देर बाद बाय बाय so, सो गाइज कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा मेरी तो थोड़ी तबीयत डाउन है सो so, यहाँ पे चल रहा है मेरा रूटीन जैसे कि रहते हैं मायरा चली गई थी स्कूल में ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका था एंड मेरी क्लीनिंग रह गई थी बात मैंने ले लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया तो मेरी क्लीनिंग क्लिनिंगनिंग रह गई थी एंड झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन वगैरह ये सब रह गया था तो पहले मैंने किया रूम से रूम से स्टार्ट किया मैंने रूम में फ़टाफट सभी क्लीनिंग की सब मैं अच्छी सी है ना सबको क्लीन कर देती हूँ मतलब कि फिर मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ झाड़ू लगा के पहले सब डस्टिंग कर देती हूँ अच्छी सी फिर ना हमें हम डेली में अच्छी सी कर देते हैं ना तो हमें स्पेशली एक दिन नहीं निकालना पड़ता सफाई के लिए तो मैं रोज़ ही अच्छी सी कर देती हूँ तो ऐसे ज़्यादा गंदगी नहीं होती तो मैंने फटाफट रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी डस्टिंग कर दी थी झाड़ू पोछा मेरा सब हो चुका था एंड कपड़े आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ही वॉश कर लिए थे काफ़ी दिनों के हो रहे थे तो मैंने वॉश कर दिए थे और बाहर ड्राई हो रहे थे धूप अब इतनी रहती नहीं तो सुबह सुबह सबसे पहले कपड़ों का ही काम कर दो वही बेटर है उसके बाद ये देखिएगा मैंने क्लीनिंग व्निंग करके ये सारा रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है बेडशीट भी मैंने लगा दी है बेडशीट मैंने आज वॉश की थी तो मैंने दूसरी यहाँ पे बिछा दी है बेडशीट वगैरह आज मैंने काफ़ी कपड़े वॉश किया तो सुबह सुबह पहले मैंने यही काम किया कि मैंने उठते ही पहले मशीन लगा दी थी और ब्रेकफास्ट का मेरा काम हो चुका था और ये मेरी किचन देखिएगा आप कैसी बिखरी हुई है रूम का तो मेरा सारा काम हो चुका था बट इसके बाद मैंने कपड़े जो मैंने डाले हुए थे ड्राई के तार पर धूप के लिए धूप लगाने के लिए वो मैंने ना थोड़े थोड़े पलट देती हूँ मैं एक बार इनको क्योंकि सर्दियों का टाइम है जल्दी से कपड़े हैं ना ड्राई नहीं होते हैं तो एक बार मैं इनको बीच में थोड़ा बहुत ऐसे करने थे थोड़ा अच्छे से ड्राई हो जाते अच्छे से तो पलट देती हूँ सभी कपड़ों को तो ये मेरे जल्दी से ड्राई भी हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आती हूँ मेरे किचन में किचन में मैं फटाफट बर्तन क्लीन करती हूँ एंड डस्टिंग वस्टिंग जो भी है क्लीनिंग करती हूँ सारी झाड़ू पोछा लगाती हूँ फटाफट मेरा किचन का काम भी हो जाता है और इसी बीच मायरा और भी आ जाती है स्कूल से मायरा को और मायरा के पापा को भी मैं लंच बना के दे देती हूँ और यहाँ पे देखना मेरी किचन जो है वो क्लीन हो गई है अच्छे से और मेरा यहाँ पे लंच भी बन गया था लंच वो आ गए थे गुड इवनिंग गाइस इवनिंग टाइम हो चुका है एंड मैंने सारे कपड़े भी अच्छे से फोल्ड करके रख दिए हैं सब ड्राई हो गए थे अच्छे से लेकिन धूप नहीं है इस टाइम होगा आई थिंक फो फोर ओ क्लॉक फोर फिफ्टीन फोर ओ क्लॉक के अराउंड सो और ऐसे ही काम करते करते मुझे इवनिंग हो गई थी सर्दियों में छोटे छोटे दिन होते हैं काम करते करते पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकल जाते हैं देन हम थोड़ा सा मार्केट की ओर निकल पड़े थे बिकॉज हमारा थोड़ा घर का सामान था जो कि ख़त्म हो रहा था हम वो भी ले आएंगे एंड हम आपको पता है मार्केट जा रहे हैं तो गोलगप्पे भी इंजॉय कर ही लेंगे सो so, हमने गोलगप्पे इंजॉय किए जो भी हमें एक का थोड़ा बहुत सामान लेना था वो हमने ले लिया था और ये देखना मार्केट में आके थोड़ी सी है ना मतलब बाहर निकल जाओ घर से थोड़ा घूमाओ तो थो थकान उतर जाती है और हमें चक्की से आटा भी उठाना था वो भी हमने रास्ते से उठा लिया और हमारा ये सारा काम हो गया था हम घर आ गए थे इसी तरह हमारा सारा दिन पूरा दिन निकल जाता है और बच्चों के लिए भी हमने कुछ ले लिया था जैसे कि फ़ास्ट फूड वगैरह तो कि बच्चे भी घर हमारी वेट कर रहे हैं तो वो भी इंजॉय कर लेंगे हेलो बच्चों <laughs> <Hello. laughs> क्या कर ले क्या <laughs> मेरे को तो स्पिंग रोल वैसे लगता है स्लाइजेस आ जाओ बच्चों चीजी खाओ चीजी खाओ, <laughs> <बच्चो>, चीजी खाओ. <laughs> हम लोग उनके लिए लेके आए थे फिंगर चिप्स और स्प्रिंग रोल वगैरह क्योंकि बच्चे यही चीज़ खा के खुश होते हैं फास्ट फूड खा के और हम ले आए थे और उसके बाद गांव में ही एक मैरिज थी तो शोना बेबी वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही थी जो कि इनके बड़े पापा के साथ ये सब बच्चे बच्चे जा रहे थे तो मैं इनके फादर इनको शूज़ डाल रहे हैं रेडी कर रहे हैं और मैं भी इसकी कॉम वगैरह कर दूंगी तो अगर हमें ऐसा पता होता कि किसी मैरिज में जाना है तो हम फास्ट फूड कुछ लेके ही नहीं आते बिकॉज इनको सब यही खाना है मैरिज में जाके सो so, यहाँ पे मेरा बच्चा रेडी हो गया था मैंने इसको अच्छे से रेडी कर दिया था ये अपने बड़े पापा के साथ जा रहे थे सो गाइज so, आज का व्लॉग हम यहीं पर मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर के लिए अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना आप भूलना अगर मेरे ब्लॉग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बाय बाय टेक केयर लवली पीपल स्वस्थ रहो मस्त रहो खुश रहो मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते